वहीं रामनगर में वन दरोगा के साथ कुछ युवकों ने मारपीट कर दी। बता दें कि देचोरी रेंज के क्यारी गांव के पास कुछ युवक नदी में नहा रहे थे, जब वन दरोगा विजेंद्र सिंह चौहान ने युवकों को नदी से बाहर निकलने को कहा तो युवक बौखला गए और दरोगा के साथ मारपीट कर दी। वहीं एक अन्य वनकर्मी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया है। दरोगा ने युवाओं के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, जहां क्षेत्र के ग्राम प्रधान ने कहा कि क्षेत्र में आए दिन लोग आकर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर माहौल खराब कर रहे हैं। वहीं अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना है प्यारी गांव में, जो मंदिर है आगे, मंदिर के नीचे खिचड़ी नाले में, खिचड़ी स्रोत में 7-8 लोग थे, 6-7 लोग हैं, वो वहाँ कुछ बैठे हुए थे और हम लोग उनको गांव की किसी की सूचना आई तो हम उनको हटाने गए वहाँ, ड्रिंक वगैरह कर रहे थे। हम लोगों को उनको वहाँ से हटने के लिए कहा तो वो हटे नहीं वहाँ से, और उसके बाद वो हाथापाई पर उतर आए हम लोग। क्या चाहना सर, अभी तो उनको थाने में लाए हैं, फिर अब कल हमारा जो फॉरेस्टर है विजेंद्र चौहान और उनके साथ बीट सहायक प्रदीप आर्या हुआ, जब देचोरी रेंज में गश्त में थे तो उनको एक सूचना मिली कि कई बाहर से आए हुए लोग वहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर घुसे हुए हैं, तो वो वहाँ पे मौके पे गए और टाइगर का सूचना भी था, टाइगर मूवमेंट का सूचना भी था, तो उनको बताया कि वहाँ से रिजर्व फॉरेस्ट से बाहर निकलने के लिए जब उनको बताया गया तो उन्होंने बदतमीजी की और हमारे स्टाफ के साथ मारपीट भी की, तो उसको बाद में हमने उन सभी को पकड़ के उनको जेल भिजवा दिया और वहाँ पे FIR लिखवा दिया है। अभी आगे का कार्रवाई अभी पुलिस के द्वारा किया जाएगा और इसका केस भी हम कोर्ट में लड़ेंगे।